वेलकम टू नीट नाउ। नीट नाउ में आज जो हम देखने जा रहे हैं वो है लाइकेंस फ्रॉम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब अगर लाइकेंस की बात करें तो एनसीईआरटी में काफ़ी कम इन्फॉर्मेशन दी हुई है, बट क्वेश्चंस आते हैं इन पे, स्पेशली इन नीट। सो वी थॉट दैट व्हाई नॉट मेक अ वीडियो जिसमें हम थोड़ी सी चीज़ें और इनकॉर्पोरेट कर सकें लाइकेंस के बारे में। अगर लाइकेंस के बारे में दो सबसे फेमस चीज़ें बतानी हो तो सबसे पहले तो ये होगा दैट इट इज सिम्बियोसिस बिटवीन एल्गी एंड फंगाई। एक एल्गल कंपोनेंट होता है, एक फंगल कंपोनेंट होता है, दोनों मिलकर ही ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ये पहली हो गई। सेकेंड, दे आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स। ये दो चीज़ें ही जनरली हम लोगों को लाइकेंस के बारे में पता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर नंबर ऑफ थिंग्स दैट वी शुड नो अबाउट लाइकेंस। तो एक एक करके हम वो देख लेते हैं। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, सो इफ यू वॉन्ट यू कैन जॉट दिस डाउन। ठीक है, तो सबसे पहले थियोफ्रेस्टस ही गेव द टर्म, ठीक है, ही गेव द टर्म लाइकेंस। थियोफ्रेस्टस थे जिन्होंने पहली बार टर्म लाइकेन यूज किया था। सेकेंड, लाइकेनोलॉजी क्या होगा, आइडिया आप लगा सकते हैं, स्टडी ऑफ लाइकेंस। लाइकेनोलॉजी एज अ नेम सेज लाइकेंस, ओलॉजी इज स्टडी, सो लाइकेनोलॉजी दैट इज योर स्टडी ऑफ लाइकेंस। नेक्स्ट, एरिक एकेरियस, ही इज नोन एज फादर ऑफ लाइकेनोलॉजी। Eric Acarius is known as the father of lichenology, whereas Theophrastus gave the term lichens. Clear? Now, algal component जो होता है, जो algal component है, देखिए हमें पहले ही पता है कि lichens एक algae component और एक fungi component से बने हुए हैं। तो यहाँ पे जो algal component होता है इसको हम कहते हैं phycobiont या फिर photobiont। और वही जो फंगल कंपोनेंट होता है, राइट, जो फंगल कंपोनेंट होता है उसको हम कहते हैं माइकोबायोंट। अब इनके फंक्शंस क्या है, एल्गी है, एल्गी इज ग्रीन इन कलर, एल्गी में क्लोरोफिल होता है, इवन इफ इट इज रेड एल्गी और आपकी ब्राउन एल्गी, सो इनका काम है फोटोबायोंट, लिखा है फोटोसिंथेसिस, तो इनका काम है मेजर फूड। ठीक है, इनका काम है फूड बनाना, एनर्जी लाना। जहां तक फंगल कंपोनेंट का बात है, इट इज सपोर्टिंग, उसके साथ ही मिनरल्स कंडक्ट करना, वाटर कंडक्ट करना। तो एक पार्ट आपको रॉ मटेरियल दे रहा है, सपोर्ट दे रहा है, दूसरा पार्ट आपको उसका खाना बना के दे रहा है। ठीक है, इट इज ऑल इन सिंक विद ईच अदर। तो ये जो दोनों एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, ये क्या है, सिम्बायोसिस या सिम्बियोसिस, जो आपको सही लगे। अब सिम्बियोसिस में क्या होता है, जनरली बोथ द जो भी पार्टनर्स हैं दे हेल्प ईच अदर। तो यहाँ पे भी वही है, एल्गल कंपोनेंट जो है आपका, इट्स मेकिंग फूड, इट्स मेकिंग एवरीथिंग जिससे उसकी लाइफ एक्सटेंड हो। सेकेंडली जो आपका फंगल कंपोनेंट है विच इज माइकोबायोंट, राइट, माइकोबायोंट जो है वो शेल्टर प्रोवाइड करता है, मिनरल्स वाटर्स ये एब्जॉर्ब करता है, तो उसके अलावा सपोर्ट का भी काम करता है। मैंने क्या कहा, मिनरल्स प्रोवाइड करता है प्लस शेल्टर, राइट। सो ये काम फंगल कंपोनेंट के हैं विच इज नोन एज माइकोबायोंट, एंड एल्गल कंपोनेंट मेक्स फूड। फोटोबायोंट से अगर आपको याद रहे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस फोटोबायोंट, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस, यानी कि जो लाइकेंस है वो इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। एक तो हमको पता चले कि पॉल्यूशन का इंडिकेटर है, बायोलॉजिकल इंडिकेटर है, बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा सबसे पहले हम देखेंगे क्लेडोनिया रैंगीफेरिना, ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज रेनडियर्स मॉस। टुंडा रीजन एक्सट्रीमली आइस एक्सट्रीमली स्नो के रीजन में होती है, एंड दिस इज यूज एज फूड, खाने की तरह यूज किया जाता है। पार्मेलिया, अगर साउथ इंडिया की तरफ चलें तो एक स्पाइस होता है, ठीक है, जिसको रॉक फ्लावर कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में भी उसको पत्थर के फूल कहते हैं। तो ये जो स्पीशीज ऑफ पार्मेलिया होता है इसको क्या कहते हैं हम, रॉक फ्लावर। ये आपकी स्पाइस की तरह यूज होता है, और जो इंडियन करीज बनती हैं साउथ इंडिया में स्पेसिफिकली उनमें जरूर पड़ता है। तो देर आर दिस इज दीज टू
are related to your eating, Cladonia rangiferina and species of Palmilia. ये दोनों आपके खाने से related हैं. Next, Rochella tinctoria. Rochella tinctoria आपकी बहुत important चीज़ बनाने में help करता है, जो कि हम बचपन से use करते आए हैं, और वो important चीज़ है आपकी litmus. Acid, base, indicator, litmus paper होता है, तो जो litmus dye होती है, Rochella tinctoria की help से बनती है. Clear? Next, Usnea and Cladonia. इससे हमको मिलता है Usnic acid. ठीक है, and this acid is a very broad spectrum antibiotic. बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया के अगेंस्ट ये काम करता है. ब्रॉड स्पेक्ट्रम यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा बैक्टीरिया की जो हम लोग एंटीबायोटिक बनाते हैं. व्हाट इज एंटीबायोटिक? अगेंस्ट लाइफ, अगेंस्ट पैथोजेनिक डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, तो उनके अगेंस्ट ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है. इट इज ऑब्टेन फ्रॉम Usnea एंड क्लेडोनिया. नेक्स्ट, पेल्टिग्रा केनाइना. हाइड्रोफोबिया होता है, हाइड्रोफोबिया नाम सजेस्ट कर रहा है, हाइड्रो वाटर, फोबिया यानी कि डर लगना, फियर. तो जिनको वाटर से फियर लगता है उनको हम देते हैं पेल्टिग्रा केनाइना. तो ये दोनों जो होगी आपकी, ठीक है, दीज टू आर यूज्ड इन मेडिसिन. इनको मेडिसिन की तरह यूज किया जाता है. नाउ नेक्स्ट, सेट्रारिया आइलैंडिका. जहां तक सेट्रारिया आइलैंडिका की बात है, इट इज यूज एज अ लैक्सेटिव. जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है या फिर इवन जो प्रिपरेशन होते हैं जो कि लैक्सेटिव्स की तरह बनते हैं, उनमें आपके सेट्रारिया आइलैंडिका यूज किया जाता है. दिस इज ऑल्सो यू कैन कंसिडर कि मेडिसिन फॉर्म में है. लास्टली, बायोलॉजिकल पॉल्यूशन इंडिकेटर, SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड जहां प्रेजेंट होगी लाइकिन वहां नहीं ग्रो कर सकते, दे विल डाई बिकॉज दे आर वेरी सेंसिटिव टू सल्फर डाइऑक्साइड. तो ऐसी जगहों पे अगर लाइकेन नहीं है यानी कि पोल्यूशन है, सो दे आर वेरी गुड बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स ऑफ पोल्यूशन. लास्टली, फॉरेस्ट फायर्स. जो हमने यहाँ पे Usnea देखा, ये जो है इसको कहते हैं ओल्ड मैन्स बियर्ड. और जो समर्स में हम लोग अक्सर सुनते रहते हैं कि जंगलों में आग लग गई है बहुत ज़्यादा. इनफैक्ट अगर आप लास्ट ईयर की बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया में वाइल्ड फायर्स हुए थे, इस टाइम कैलिफोर्निया में चल रहे थे. जो समर्स में फायर्स होते हैं, जो फॉरेस्ट फायर्स होते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ दीज. किसकी वजह से? Usnea. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस. वहीं हम लोग इसको Usnic acid बनाने के लिए यूज कर रहे हैं जो कि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है. वहीं इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉरेस्ट फायर्स. क्लियर? तो फटाफट एक बार रिवाइज करते हैं. लाइकेंस, थियोफ्रेस्टस गिव द टर्म लाइकेंस. लाइकेनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइकेंस. एरिक एकेरियस फादर ऑफ लाइकेनोलॉजी. एल्गल कॉम्पोनेंट इज नोन एज फाइकोबायंट और फोटोबायंट. इट इज यूज फॉर मेकिंग फूड. Fungal component is known as mycobiont. It provides the support, it provides shelter, it also conducts minerals and water. Next, economical importance mein, sabse pehle, Cladonia rangiferina, reindeer's moss, which is eaten in tundra region. Second, Palmilia. Species of Palmilia, also called rock flower, is used in South Indian curries as spice. Rochella tinctoria, litmus paper ki dye ke liye use hota hai. Usnea and Cladonia, Usnic acid, which is a broad spectrum antibiotic used against a number of pathogens. Peltigra canina, hydrophobia, jinko paani se dar lagta hai unke liye. Cetraria islandica as a laxative. And lastly, aapka pehla biological indicator of pollution against sulfur dioxide. And lastly, Usnea is used as to nahi kahungi, Usnea is responsible rather for starting the forest fires in summers. So this is all about lichens. Most of it is not given in NCERT. So NCERT se alag jo points hai, aap unko likh lijiye, unko yaad kar lijiye, ek baar fatafat read kariye. Questions jo inse milte hain aapko, turant solve kar lijiye. Question jitna zyada solve karenge utne zyada, main hamesha kehti hu ki concept aapka clear hoga. नहीं होता है, हमें कांटेक्ट करिए, एक बार फिर से पढ़िए, कमेंट करिए हमारे कमेंट बॉक्स में. सोशल मीडिया पे आप कमेंट कर सकते हैं, जाके हमारे साथ आप बहुत अलग अलग जगह जुड़ सकते हैं. मैं अपील की आप कोशिश करिए रीच आउट करने की, विल मेक श्योर दैट वी हेल्प यू आउट. साथ ही सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी नया वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन आ जाए. ऑल्सो
डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस आती रहें. सो कीप स्टडिंग, स्टे सेफ एंड टेक केयर.